गोरखा जलाने की बताई थी, लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आया था। उनके कहने के अनुसार उन्होंने कहा कि कंडे किसके बनते हैं, कंडे गाय के गोबर के भी बनते हैं, भैंस के गोबर के भी बनते हैं, मगर गाय का गोबर बहुत उपयोगी होता है, भवन में भी काम आता है। इसके पैसे अपन बाजार से मंगाओ बहुत महंगे मिलते हैं, और ये अपने गांव में बहुत आसानी से घर घर गाँव गाय रहती है तो गोबर मिल जाता है, शहरों में मिलता नहीं। इसमें अगर पतला हो तो इसको पानी से थोड़ा पतला कर लेना चाहिए, सूख जाए तो इसको यहाँ से करके, और इसमें भूसा मिलाना लेना चाहिए जिससे कि वो आसानी से जल जाता है, अच्छा जलता है। ठीक है, समझ ये कंडा बन गया, सूख जाएगा तो ऐसे कंडा हो जाएगा, इसको तोड़ कर जला लेते हैं इसके लिए पीस करके। इसमें कंडे में बाटियां भी बनाई जाती हैं, ओवन में जो बाटी बनाई जाती है वो इतनी स्वादिष्ट नहीं बनती, जो कि कंडे में जलाने से बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बाटियां बनती हैं। तो कच्चे मकान होते हैं उनमें जगह नहीं होती, तो हाँ दीवारों पर भी ऐसा पानी डालकर दीवार पर भी ऐसे कंडे बनाए जाते। दीवार में चिपक जाते हैं, पूरी दीवारों पे चिपका के बनाए जाते हैं कंडे। यहाँ भी थोड़ी जगह हो इसमें बन जाती है, जैसे मुड़ेरों पे भी जगह हो तो मुड़ेरों पे भी जैसे पानी डाल दे, थोड़ा भूसा डाल दे या राख डाल दीजिए। राख भी इसी की राख बनती है, जलने के बाद राख हो जाती है, और ये खाद के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसको गोबर को सड़ा लिया जाता है और इसका खाद बनाया जाता है, जो खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है, और जो अपन दूसरी खाद डालते हैं वो नुकसानदायक होती है, ये खाद नुकसानदायक नहीं होती। इसी की राख बनती है, राख जो एंटीसेप्टिक होती है, पौधों में डाल दो तो कीटाणु भी मरते हैं, जो हर चौथे दिन पौधों में डाली जाती है तो कीटाणु नहीं लगते। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आगे भेजिए, सरप्राइज कीजिए। थैंक यू।